गुरु प्यारी सात संग जीओ वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। लाल रंग किसको किसके भटका मैला कदे न हो गई ना लागे मनोहर गुरबाणी का शब्द आप जी शरण गारे सो उस वाहेगुरु के नाम का रंग मजेठ रंग है। तो सात संग जीओ कि जेडे दुनियावी रंग ने वो कसुंबड़े रंग ने जिहड़े क्षण भर में उतर जाते हैं मैले भी हो जाते हैं दागी भी हो जाते हैं पर उस परमात्मा के नाम रूपी मजीठ रंग जिहड़ा इन्ना पक्का रंग है वह कदे उतरता नहीं। जिवें कहिंदे ना दुनियावी नशे भंग दतूरा सुरापान हरजाए प्रभात नाम कुमारी नागरा चले रहे हैं। गुरबाणी की तुक नहीं है पर इसनों एक गीत के रूप में भजन के रूप बड़ी श्रद्धा के नाल लोग गाते हैं तो गुरु नानक पातशाह के नाम ना गाते हैं क्योंकि नाम की कुमारी नानक ने जो चढ़वाई है ना वो शायद ही किसी ने चढ़वाई हो तो वह कुमारी ऐसी है वो नशा ऐसा है ना दिन उतरता है ना रात उतरता है ना ही रंग कद मैला होंगा है तो ना कदम दाखी होंगे है तो व्डे भागों वाले ने जिन्होंने ये नाम रूपी रंग चढ़ता है तो गुरु की कृपा सदके चढ़ता है क्योंकि सात संग जी अपने किसी उपकरण के नाल अपनी किसी प्रक्रिया के नाल अपनी किसी साधना के नाल चढ़ गया ना वो उतर सकता है क्योंकि उसका बंदा गुमान कर लैता है तो जब गुरु कृपा सदके चढ़ता है तो फिर सात संग जी वो कदे नहीं उतरता उसते हमेशा ही आनंद उसके हिरदे घर आनंद के खेड़ा बनिया रहता है क्योंकि वो अठे पहर गुरु प्रसाद नाल लेके जाता है गुरु कृपा सदके क्योंकि मूल मंत्र के उच्चारण में भी गुरु नानक पातशाह एक तो गल करते हैं शुरू तो अनंत गुण दसते हैं उस परिपूर्ण परमात्मा काल प्रभु वाहिगुरु के अखीर में कहते हैं गुरु प्रसाद गुरु की कृपा सदके ही एक गुण गायन किए जा सकते हैं गुरु की कृपा सदके ही एक गुण जिहड़े ने अंतर आत्मे बसते हैं तो जीवन सफल तंत्रता योग होता है। वाहिगुरु मेहर करे अरदास दर्शन रूप अभ्यास पुस्तक डॉक्टर जसवंत सिंह नेकी जी की लिखत उसनों आप पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं विचार के गुणों का जतन भी कर रहे हैं तो वाहेगुरु करेगा तरस तो साढ़े अंदर भी कोई कणी जरूर वसेगी। अध्याय चल रहा है रहत दान वह दो प्रकार की दसी है एक अंदर करण वाले अंदरूनी तो एक बाहरी तौर पर बाहर जो साढ़े नियम ने उसकी अंदर जिहड़ा सानू काम क्रोध लोभ अहंकार आदि तो बचना है ये दो प्रकार दी रहता ने। अज दूजी रहता इस विच जिक्र करते हुए जसवंत सिंह जी ने की लिख रहे हैं कि गुरमत की अंदरली रहती नियमावली संक्षेप रूप में इस प्रकार जो लिखी गई है अंदरली रहत की है कहते गुर सतगुर का जो सिख अखावे सो पलके उठकर नाम ध्यावे उन्नु करे पलके प्रभाती इशनान करे अमृत सन्नावे उपदेश गुरु हर हर जप जापे सब किल विक पाप दोग ले जावे फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावे बहद्या उठद्या हर नाम ध्यावे जो सास गिरास त्याए मेरा हर हर सो गुर सिख गुर मन पावे जिन जिन जिनो दयाल हुए मेरा स्वामी तिस गुर सिख गुरु उपदेश सुनावे जे नानक तूड़ मंगे तिस गुर सिख की जो आप जपे अवै नाम जपावे जे नानक तूड़ मंगे तिस गुर सिख की जो आप जपे अवै नाम जपावे। गुरु पातशाह चौथे पातशाह दे बुखार बिंदु उच्चारण किया हुआ है यह पावन शब्द है वार है गौड़ी राग के अंदर उच्चारण की गई है। तो सात संगत जो समूहिक अंदरूनी रहत में सात संगत कीर्तन सेवा ते अरदास शामिल हैं। सात संगत सिख जथेबंदी का मुढ़ला प्रमाणिक रूप है सतगुरां संगत में वाहिगुरु का निवास मनिया है गुरकरणी के दो पक्ष हैं एक जोत ते दूजा जुगत जोत का वासा गुरु शब्द विच ते जुगत का गुरु गुर संगत विच मनिया गया है। यह संगत ही सी जो विकास पा के खालसा हो गई ते समूहक जन जथेबंदी सरबत खालसा जी लई सुहिरता समूहक रहत का अंग हो गई। कीर्तन जो सात संगत का वड्डा अध्यात्मक परिश्रम है एक श्रोमणी कर्म मनिया गया है जिसनों इसनों कलयुग विच परमार्थ का प्रधान साधन किया गया है। सारे सतगुरां दे दरबार विच कीर्तन होया करदा सी
गुरु नानक देव जी की साखी मरदाना उन्हां दा किठनिया सी। गुरु अंगद देव जी दे समय पाई साधु ते बादू गुरु दरबार विच कीर्तन करदे सन। तीसरी पातशाह ना केवल कीर्तन दे रसिए ही सन, उन्हां ने एक साज सरंग दा भी बनाया सी। तीजे पातशाह दा दर्शन श्री गुरु अमरदास जी कहंदे केवल कीर्तन दे रसिए ही नहीं सन, उन्हां ने एक साज सरंग दा बनाया। चौथी पातशाह दे समय एक जोगी दरबार विच आया ते कहन लगा महाराज आपके दरबार विच कोई सिख योग अभ्यास नहीं कर रहा। हुण सासु जी तवज्जो देना, क्योंकि योग साधना करन वाला बंदा सोचता है भी योग तो बिना रब नूं किवें पाया जा सकता है। व्रत रखण वाला सोचता है भी व्रत ही नहीं रखते ते इहनां नूं परमात्मा किवें मिलेगा। तीर्थ इशनान करन वाला बंदा सोचता है भी तीर्थ इशनान ही नहीं किया, तीर्थ ते ही नहीं गए तो रब किवें मिलेगा। हुण सासु जी उह सब धर्मां दे विच अलग अलग ढंग दे नाल उस रब जी दी प्राप्ति दे ढंग दसे गए ने ते जुगतां दसियां गईआं ने। हुण उहनां नूं लगदा है कि साडा जिहड़ा उपकरम है उह सब तों श्रेष्ठ है, सिरमौर है। पर गुरबाणी आखदी है प्रभु का सिमरन सब तों उच्चा, परमात्मा का सिमरन सब तों श्रेष्ठ है, श्रोमणी है। हुण सासु जी हरेक ने अपने धर्म दी जो जुगतियां ने जो उहनां दे विच जो मर्यादा है उसनों सर्वश्रेष्ठ ते सर्वोत्तम मनना है, मनना भी चाहिदा है। पर सत्संग जो जदों कोई तर्क दे के उस गल का खंडन करता है ते वो तर्क बिल्कुल वाजिब भी होवे, सिद्धांतिक तौर पर भी सही होवे। इहने कि सिर्फ असीं अपने धर्म नूं वडियाउणा है, उसनों श्रेष्ठ दसना है या अपनी गल उच्चा रखना है, तद ते फिर सत्संग बहस हो जाती है, को तर्क होता है वो। ते उस तर्क दे विच अगले बंदे नूं पूर्ण ध्यान तसली हो जाए कि यकीनन ये गल ठीक है। गुरु नानक पातशाह ने इस तरह के सिद्धांत बख्शे ने। गुरु घर दे विच जो भी एक किसी भी धर्म का खंडन नहीं किया, किसी भी नियमों का खंडन नहीं किया, पर उसका जो जो बिगड़िया हुआ रूप से उसको परिष्कृत करके उसको शुद्ध रूप में लिया के क्या भी जे जनेऊ पाना है तो जनेऊ इस तरह का होना चाहिए। तीर्थ स्नान करना है तो वह मन तो जिस दे नाल साडे मन की मैल कटे वह तीर्थ स्नान है। तो फिर सत्संग जो इस तरह किसी भी चीज़ को किसी भी पॉइंट को तुम लैके वेख लो, हर जो समस्या दसी है उसका समाधान इस तरीके ना दसिया है कि जिसके नाल एक तसली होती है, फिर दूजी उसके जीवन में भटकना नहीं रह जाती, बशर्ते जो उसका विश्वास मुकम्मल है। तो कोई भी सिद्धांतिक गल है जो अध्यात्मिक गल है उसके इतना इतना वजन है कि फिर अपने आप दूजिया महसूस हो जाएगा, समझ आ जाएगी कि वाकई ये सब इस तरीके ना चलने के नाल जो है पारंगारा हो सकता है, पहुँच सकता है। तो इसे तरह उस जोगी ने जाके जदों गुरु चौथे पातशाह नूं सवाल किया भी तुहाडे आप जी के दरबार में कोई सिख योग अभ्यास तो करता ही नहीं है, योग तो बिना मन टिक किवें सकता है। हुण सत्संग जी इत्थे मन नूं टिकाउण दा जो है जरिया जिहड़ा है वह अलग तरीके नाल दस्सिया गया है। वह योग मत दे विच जो योग क्रियावां दे नाल मन नूं साध्या जांदा है, बड़िया औखिया क्रियावां ने केवल प्रभु साधे बड़े सारे शब्द गुरबाणी विच आए ने। सिद्धा कर जो गोष्ठी हुई गुरु नानक पातशाह की उन्होंने भी बड़े बड़े गहरे सवाल सन ते उन्होंने तसली बख्श जवाब गुरु नानक पातशाह ने दिते। शब्द तो बिना मैं राई भी और किसी चीज की कोट नहीं है गुरु नानक पातशाह ने दसिया तो वह हवा में उड़ जाते सन, इन्ना कुछ साधना करते सन। पर गुरु नानक पातशाह को पूछा भी तुहाडी पहुंच इतों तक किवें हुई है, तद गुरु नानक पातशाह कहते मैंने शब्द तो बिना उस निरंकार के शब्द तो बिना मैं राई भी और कोई कोट नहीं और मैं कोई साधना की नहीं है। सत्संग जो फिर उन्होंने तसली हुई कि असं इतना कुछ इतनिया औखिया क्रियावान करके इतनिया साधनावान करके जिते पहुंचे नानक तो उस तू भी पहले उत्थे पहुंचे हुए थे, तो वह भी केवल एक निरंकार के आसरे एक शब्द के आसरे। इसलिए सत्संग शब्द गुरु सुरत तुंजे ला गुरु पातशाह ने उन्होंने ही जवाब दिता से गुरु कौन है तुहाडा ते किस दी तुसी उपासना करते हो, शब्द मेरा गुरु है ते उस विच सुरत जोड़न वाला मैं उसका शिष्य मैं उसका चेला। गुरु पातशाह ने एक एक अद्धी अद्धी टुक दे विच ना इतने वड्डी वड्डी समस्यावां दे समाधान दस दिंदे ने ते उहनां नूं हमेशा शक्ति होणी सी तसली की होणी सी ते जिन्ने तक गल तसली ना होवे उन्ने तक फिर बहस ही हो सकदी है, होर कुछ नहीं हो सकता। कहिंदे हठ तों बिना हठ योग ना योग साधना तों बिना मन का टिकाव किवें बणेगा तुहाडे सिखां दा,
ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਯੋਗ ਦੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਐਸਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਟਿਕਾਓ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੇ ਜੋਗੀ ਤੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿੰਗਣੀ ਯਾਨੀ ਵੀਣਾ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਥੋਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਥੋਤੀ ਹੈ ਨਾ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਥੋਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜੋੜੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਤ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਆਪਨੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਸੱਸ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਹਰ ਤੰਤ ਵਜਾਵੇ ਜੋਗੀ ਥੋਥਣ ਵਾਜੇ ਵਰ ਸੈਨ, ਗੁਰਮਤ ਹਰ ਗੁਣ ਬੋਲੇ ਜੋਗੀ ਇਹ ਮਨਵਾ ਹਰ ਰੰਗ ਸੈਨ। ਵੀ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਟਿਕਾਓ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਯਾਨੀ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਚੁੱਪੇ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਜਾਏ ਨਾ ਅਲਿਪਤਾ, ਵੀ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੋਨੀ ਸਾਧੂ ਆਏ ਨੇ, ਮੋਨੀ ਜੋਗੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹਨ ਤਪੱਸਿਆ ਵਰਤ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਉਹ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾਵ ਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਚੁੱਪ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਟਕਾ ਵੀ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ 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 ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਠਹਿਰਾਵ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਜੀਓ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਟੱਕ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਬਾਹਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਨਾਲ ਉਹ ਮੌਨ ਸਾਧਨਾ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੱਧਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕਰਮਕਾਂਡ ਹੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕੁਛ, ਜੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੱਧਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਚਾਰ ਹੈ, ਕਰਮਕਾਂਡ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅਹੰਕਾਰ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਇਤਨਾ ਅਸੀਂ ਜਪ ਕਰੇ, ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਤਪ ਕਰੇ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਹੰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਜਿੱਥੋਂ ਖੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਣੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਾਂਤ ਮਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋ ਕੀਰਤ ਹੈ ਯਾਨੀ ਉਸਦੀ ਕੀਰਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜੋੜੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਤ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਵੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਸ਼ੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਵਿਆਹ ਸੀ ਬੱਚੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਚੜਾਵਾ ਆਵੇਗਾ, ਚੜਾਵਾ ਯਾਨੀ ਭੇਟਾ ਜਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਸਨ, ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਚੜਾਵਾ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਉਸਦੇ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਗੁਰਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਬੜੇ ਇਤਮੀਨਾਨ ਨਾਲ ਗੁਰਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਤਫਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਤਿਆਗੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਉਸ ਦਿਨ ਚੜਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਈ, ਚੜਾਵਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਇਆ, ਜੋ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਆ ਗਿਆ, ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਟ ਕੇ ਆਵੇਗਾ, ਰੋਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤਾ ਚੜਾਵਾ ਨਹੀਂ ਚੜਾਉਣਾ, ਬਹੁਤਾ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਜਾਓ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਖ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਗਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕੁਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਜਾਓ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰਾਉਣਾ ਕਰਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਏ ਉਹ ਸਿੱਖ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾ ਕੇ
गुरु साहब जी का मैसेज दिता उन्होंने जो जवाब दिता वह आगे गुरु साहब को दस दिता हूँ सत्संग जी गुरु पातशाह ने कहते ने कोई ना गुरु की कीर्ति उस रब जी की कीर्ति करनी है आप चले जाते रहे आप जाते ने आओ गुरु की कीर्ति करिए आओ वाहिगुरु निरंकार का कीर्तन करिए तो सत्संग जी उस वेले उन्होंने अहंकारिया हो बड़े कुबोल बोले पहले तो गुरु पातशाह बहुत कुछ किया कहते गुरु पातशाह फिर भी शांत बिल्कुल शांत खड़े रहे ते उस तो बाद कहते ने गुरु नानक पातशाह तो लैके चौथे पातशाह तक उन्होंने अपनी उस बद जुबान के नाल बहुत कुछ कबूल बोले उस वेले पंचम पातशाह ने कहा बस उस निरंकार रूप गुरु नानक पातशाह नू ते चौथे पातशाह तक जो तुसीं किया है हुण तुसीं साडे मत्थे भी ना लगना कीर्तन करना तो बड़ी दूर की गल है ते गुरु पातशाह इतने शांत रहने वाले शांति दे कुछ पन्नवे पातशाह कहते ने गुरु नानक की जिस जबान नाल तुसीं इस तरह के बोल बोले ने कबोल बोले ने कहते ने सब संगत नूं कहता इन्हां नूं अपने मत्थे भी नहीं लाना ते इन्हां दी सिफारिश लैके कोई मेरे कोल ना आवे ते सत्संग जी उस दिन तो बाद कहते ने जो उन्हां दी दुर्गति हुई है कहते ने रब रूप जो गुरु का अपमान है तो फिर वो सत्संग जी बख्शे नहीं जाते ते नाल फिर गुरु पातशाह ने ऐलान भी कर दिता इन्हां दी सिफारिश लैके मेरे कोल कोई ना आवे ते हुण सत्संग जी पर लिखिता है इतिहास के विच मैं पढ़िया है भाई लगा उपकारी लाहौर के निवासी बड़े परोपकारी सुभाव के जदों कहते ने इन्हों की इन्हों को कौन हो गया सी